सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज के वीडियो का टाइटल है काउंट इवन एंड ऑड नंबर इन एन एरे। ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है दोस्तों कि मुझे यूज़र से नंबर्स रीड करना है। ठीक है, और यूज़र से नंबर रीड करने के बाद में मुझे ये काउंट करना है कि यूज़र ने कितने ऑड नंबर एंटर किए और कितने इवन नंबर एंटर किए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम अभी शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम का लॉजिक तो कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमको सिर्फ मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करना है, फिर हमें इवन नंबर है या ऑड नंबर है ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोलेंगे वो इवन नंबर है, अगर 1 आता है उसका रिमाइंडर अगर 1 आता है तो हम बोलेंगे ऑड नंबर है। ठीक है, तो यही हमें क्या करना है, जैसे यूजर से हम नंबर रीड कर रहे हैं उसी समय हम चेक कर देंगे क्या वो इवन है या आउट है। हम यहाँ पर 2 काउंटर वेरिएबल यूज करेंगे, एक तो ऑड नंबर को काउंट करने के लिए और दूसरा इवन नंबर को काउंट करने के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। यहां पर सपोज मैं पहले लिख रहा हूं मेन। अच्छा, यहाँ पर अभी कौन से वेरिएबल आएंगे, जैसे कि इंटीजर ए ऑफ 10, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो है मैं 10 नंबर में ही चेक करूँगा कितने ऑड है कितने इवन है। फिर आई जो कि मैं लूप चलाने वाला हूँ, उसके बाद में काउंट ई, एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं काउंट ई इवन नंबर को काउंट करने के लिए, इसको इनिशियली जो है मैं 0 असाइन करके रख देता हूँ। और दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ मैं काउंट ओ, ठीक है, इसे भी इनिशियली मैं 0 असाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतने वेरिएबल फिलहाल इस प्रोग्राम में मुझे चाहिए। चलो अब क्या करना है, अब हमें यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करना है कि प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर नंबर, एंटर 10 नंबर्स, हम उसको यही मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि एंटर 10 नंबर। चलो फिर क्या करेंगे, वो जैसे जैसे नंबर एंटर करना शुरू करेगा हमें भी हमारा स्कैनर पे आकर लिखना होगा। एरे लिख रहा हो इस वजह से आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10। आप अगर ज़्यादा नंबर लेना चाहो तो सिर्फ आपको यहाँ पर 10 की जगह 20, 25 जो भी आप नंबर लेना चाहो ले सकते हो, आई प्लस प्लस। फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं स्कैन एफ परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर नंबर रीड कर रहा हो, एम परसेंट ए ऑफ आई। अब मुझे ये फिलहाल ये नहीं पता कि उसने जो नंबर एंटर किया है वो इवन है या ऑड है, ये मुझे चेक करना है। कैसे चेक करेंगे हम, फिर जैसे नंबर रीड करते हैं मैं फिल झट से यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या जो नंबर एंटर किया है, सॉरी मतलब जो नंबर एंटर किया है दैट इज ए ऑफ आई मॉड इज सॉरी ए ऑफ मॉड 2 इज इक्वल टू 0 है क्या। ठीक है, अगर 0 होता है तो हम क्या करेंगे, काउंट ई, क्योंकि मुझे पता है अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर अगर 0 आता है तो इवन नंबर होता है, तो हम इवन नंबर का जो काउंटर है उसे बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट ई प्लस प्लस, काउंट ई प्लस प्लस, 0 नहीं है तो 1 ही होगा, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो उसका रिमाइंडर है तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, 0 नहीं है इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल्स, और यहाँ पर लिखेंगे हम काउंट ओ प्लस प्लस। यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने मेरा लूप ख़त्म कर दिया। तो जैसा ये लूप 10 टाइम्स होगा हर बार मैं चेक करूंगा जो नंबर इवन है इवन होगा तो काउंटर इवन का काउंटर बढ़ेगा, और सपोज ऑड होगा तो ऑड का काउंटर बढ़ेगा। ऐसा कब तक चलेगा, जब तक ये लूप चलता है तब तक। जैसा ये लूप ख़त्म हो जाता है अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ मैसेज डिस्प्ले कर देना है कि प्रिंट एफ, मैं यहाँ पर लिखूंगा इवन नंबर्स, इवन इवन नंबर्स इज इक्वल टू परसेंट डी। ठीक है, इवन नंबर्स इज इक्वल टू परसेंट डी, तो कितने इवन नंबर्स हैं हम बोलेंगे, तो हम ये वेरिएबल का डिस्प्ले कर देंगे काउंट ई, इसकी वैल्यू हम डिस्प्ले कर देंगे काउंट ई। ठीक है, सेम थिंग ऑड नंबर कितने हैं ये अगर मुझे चेक करना है तो यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ पर लिखूंगा मैं काउंट ओ, क्योंकि इन्हीं वेरिएबल में जो है हमारा आंसर स्टोर है, और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो गया खत्म। दोस्तों ये तो था थियोरेटिकल, यही चीज़ मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेक्शन में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो वेलकम अगेन, अभी हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं टू काउंट इवन एंड ऑड नंबर्स इन एन एरे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं
अभी क्या करने वाला हो, मैं यूज़र को बोलने वाला हूँ कि 10 नंबर्स इंटर करो, फिर उसमें से हम चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑड है और कितने नंबर इवन है। ठीक है, बड़ा आसान प्रोग्राम है दोस्तों। ठीक है, चलो सबसे पहले एक 10 नंबर का एरे मैं ले लेता हूँ। आपको ज़्यादा नंबर का एरे लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, फिर आई की वैल्यू, क्योंकि एरे आया तो एक लूप वेरिएबल आएगा ही आएगा। उसके बाद में एक हम करने वाले हैं काउंट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे काउंट ई इज इक्वल टू जीरो। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इवन नंबर काउंट करने वाला हूँ, और काउंट ओ, ठीक है, तो काउंट ओ कर रहा हूँ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैं यूजर को बोलता हूँ प्रिंट एफ एंटर 10 नंबर्स, एंटर 10 नंबर्स। ठीक है, तो यूजर एंटर करेगा 10 नंबर, तो उसके लिए हम स्कैन एफ लिखेंगे लेकिन लूप के अंदर। तो यहां पर हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू जीरो, I less than 10, I plus plus। ठीक है, फिर यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली हमको रीड करना है, तो स्कैन एफ में हम रीड करेंगे। रीड करने में मतलब इंटीजर नंबर रीड कर रहे हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे परसेंट ए और एम परसेंट ए ऑफ I। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मुझे क्या करना है, यूजर जो नंबर रीड करेगा, जो हम जो नंबर रीड करने वाले हैं वही नंबर हम उसी समय चेक कर लेते हैं क्या वो इवन है या ऑड है। कैसे चेक करेंगे, तो सिंपली ए ऑफ आई मॉड टू, ए ऑफ माई मॉड टू इज इक्वल टू जीरो है क्या, जीरो है मतलब वो नंबर इवन है। तो सिंपल क्या करेंगे, हम काउंट ई को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, और फिर करेंगे हम एल्स। अब सिंपल चीज है, अगर वो नंबर इवन नहीं है तो जाहिर बात है ऑड ही होगा, सो हम यहाँ पे करेंगे काउंट ओ को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, काफी आसान प्रोग्राम है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे लूप खत्म हो जाता है हमें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू हम डिस्प्ले कर देंगे। सो प्रिंट एफ यहां पर लिखेंगे हम इवन नंबर्स आर, ठीक है, और यहां पर लिख देंगे हम परसेंट ई, और यहां पर वैल्यू प्रिंट कर देंगे हम काउंट ई की। ठीक है, और सिमिलर वे से हम क्या करेंगे, भी ऑड नंबर का भी मैसेज हमें डिस्प्ले करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे काउंट, यहां पर कर देता हूं मैं काउंट ओ यहां पर कर देता हूं मैं काउंट ओ और यहां पे सिंपली मुझे क्या लिखना है, ऑड नंबर्स आर, ऑड नंबर्स आर। ठीक है, चलो अभी हम डिस्प्ले कर देते हैं, पहले से कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो एंटर 10 नंबर्स में एंटर करा, देखिए अभी मैं सिंपल सिंपल यहां पे नंबर्स एंटर कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 7, फिर से 7, ऑड नंबर ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, फिर 8, फिर देखिए इवन नंबर्स आर 4, ऑड नंबर्स आर 6। इसे हम क्या कर देते हैं, हम स्लैश इन लिख देते हैं ताकि हमें क्लियर क्लियर आउटपुट समझे। ठीक है, फिर से एक बार इसे कंपाइल कर देते हैं, चलो वही नंबर 1 2 3 3 3 4 5 4 6 7। देखिए इवन नंबर बोल रहा है 4 है और ऑड नंबर 6, वेरीफाई करते हैं, इवन नंबर 4 है मतलब 2 4 4 और 6, देखिए है इवन नंबर्स आर 4 और ऑड नंबर्स आर 6। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।